अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लौकी की बिल्कुल सूखी सी सब्ज़ी। जितना ज़्यादा सिंपल उतना ज़्यादा बेस्ट। तो सिंपल सी ये सब्ज़ी है, दाल चावल और रोटी पराठे के साथ बहुत बेस्ट लगती है। इसके लिए एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, जैसे कि 2 टेबल स्पून। उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रैकल हो जाए। 3 से 4 हरी मिर्चों को बिल्कुल रफली चॉप कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे। और लौकी को बहुत ही बारीक बारीक सा लंबे लंबे पीसेस में कट किया ताकि वो बहुत जल्दी से गले। और सारी लौकी को कट करके साइड में कर लिया था। अब इसमें हमने लौकी को अच्छे से वॉश करके लौकी ऐड कर दिया है। लौकी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है कि लौकी में जो हमने तड़का लगाया ना, बहुत मज़े का लगता है। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक भी बिल्कुल आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कीजिएगा। हल्का सा नमक इसमें ऐड कर दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर में से भी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है और दूधी में से भी पानी रिलीज़ होगा। अब ढक के इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, टमाटर और दूधी को गलने तक। हार्डली 10 से 12 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है और बिल्कुल चटपटी सी हमारी जो सब्ज़ी है सूखी लौकी की, बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है। तो ये सब्ज़ी जो है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और दाल चावल रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े की लगती है। आप नॉर्मली इसे नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं, खाने में, लंच में, डिनर में, बिल्कुल मज़े की जो रेसिपी। झटपट से सूखी लौकी की तब सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।